संगम की रेती पर 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। योगी सरकार 2022-23 के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश कर रही है। माघ मेले की तैयारियों को लेकर प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहले सर्किट हाउस में मेले से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने संगम तट पर पहुंचकर माघ मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम वीआईपी घाट से बोट के जरिए गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर पहुंचे। यहां पर डिप्टी सीएम ने गंगा पूजन किया और आरती कर मां गंगा और यमुना से माघ मेले के सकुशल और निर्विघ्न संपन्न होने की कामना भी की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा त्रिवेणी। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2025 के महाकुंभ के पहले 2022-23, 2023 और 2024 का माघ मेला हमारे लिए ट्रायल के तौर पर है। कोशिश ये की जा रही है कि 2025 के महाकुंभ की तैयारी में अनुभव की दृष्टि से कोई कमी न रहे। देखिए, आज की जो बैठक हुई वो अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस बार का जो माघ मेला है वो 6 जनवरी से प्रारंभ हो जा रहा है, और चूंकि पौष पूर्णिमा से यहाँ कल्पवास यानी एक महीने का कल्पवास होता है, तो यहाँ से शुरू हो करके और वह 6 फरवरी तक मेला चलने वाला है। इसलिए तैयारियों की दृष्टि से जो मैंने समीक्षा की है, 4-5 चीज़ें अत्यधिक आवश्यक होती हैं। पहला तो मेले में व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी हर बार की तुलना में अच्छी हों, इसके लिए तैयारियां की गई हैं। जो तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए सुविधाओं की क्या व्यवस्था है, उसके लिए भी निर्देश दिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही है और जो कमियां है उसको दूर करने का भी बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि कोरोना के संभावित खतरे को लेकर भी माघ मेले में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए पहले भी मेला यहाँ माघ मेला सम्पन्न कराया गया, इस बार भी उसके लिए तैयारी की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से जो व्यवस्था है उसके लिए भी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि तीर्थ यात्रियों के साथ व्यवहार का पक्ष सबसे अच्छा रहना चाहिए, तो उसके लिए भी तैयारी हो रही है, उसकी कार्यशालाएं हो रही हैं। और स्वच्छता को लेकर के, चूंकि स्वच्छ भारत और स्वच्छ माघ मेला, स्वच्छ कुंभ मेला, यह हमारी सरकार का संकल्प भी है और इस दृष्टि से बहुत बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार जितने भी यहाँ प्रमुख संस्थाएं आती हैं, हर संस्था का गंभीरता से ध्यान रखा जा रहा है, पूज्य साधु संतों का ध्यान रखा जा रहा है और मेला ठीक ढंग से संपन्न हो इसका प्रयास। डिप्टी सीएम ने कहा है कि 2023 के माघ मेले में भी साधु संतों, कल्पवासियों और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अविरल और निर्मल जल मिलेगा। उन्होंने कहा है कि गंगा में जो बड़े बड़े नाले गिरते थे उनको टैप करने या बंद करने का काम किया गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का जो अविरल और निर्मल जल मिलता है, वही जल अब प्रयाग के संगम तट पर भी श्रद्धालुओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि 6 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले के लिए बांधों से पर्याप्त पानी छोड़ा गया है जो समय पर यहां पहुंच जाएगा। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो नाले वर्षा काल में बहुत सारे ओपन कर दिए गए थे उनको पूरी तरह से बंद करने का काम, और कोई भी गंगा जी में प्रदूषित जल ना जाने पावे इसकी व्यवस्था करने का काम। और मैं आप सबके माध्यम से यह जरूर कह देना चाहता हूँ कि 6 जनवरी से चूंकि माघ मेला प्रारंभ हो रहा है, और 6 जनवरी से जब माघ मेला प्रारंभ होगा तब तक यहाँ चूंकि जल छोड़ा जा चुका है, अब यहाँ पहुँचना बाकी है, जल पहुँच जाएगा अविरल निर्मल गंगा जी की पवित्र धारा में, जो भी कल्पवासी, जो तीर्थयात्री और आप सब भी डुबकी लगा सकते हैं।